इन्फिनिक्स जी टी 10 प्रो वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 30 5G साउंड टेस्ट एंड स्पीकर टेस्ट। तो गाइस, अगर आपने यहां पर इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन को लेने का अगर आप सोच रहे हो, इन्फिनिक्स जी टी 10 प्रो या फिर इन्फिनिक्स नोट 30 5G, और ऐसे में आप कन्फ्यूज हो कि दोनों स्मार्टफोन में से साउंड क्वालिटी किसका ज्यादा अच्छा है, तो डोंट वरी, आज का टॉपिक आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप दोनों स्मार्टफोन का साउंड क्वालिटी चेकआउट करेंगे। देखो गाइस, पिछले दो महीने से मैं स्मार्टफोन को यूज करूँ तो मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है दोनों स्मार्टफोन के साथ में। तो यहाँ पर देखो, ये जो है बॉक्स, ये इन्फिनिक्स का नोट 30 5G, ये इस वाले स्मार्टफोन के साथ में बॉक्स आता है, और यहां पर जो ये GT 10 Pro है, ये GT 10 Pro का बॉक्स ये है, ठीक है। अब यहां पर गाइस, सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखो सबसे पहले जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है वो लुक आता है, तो लुक के मामले में तो यहां पर इन्फिनिक्स GT 10 Pro काफी ज्यादा बेटर है इन्फिनिक्स नोट 30 5G के कंपैरिजन में। साउंड क्वालिटी तो गाइस, यहाँ पर आप देखो, मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि मैंने जिस तरीके से एक्सपीरियंस किया है उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं आपको सिंपल शॉर्ट में बताऊंगा, आप लोगों का ज्यादा टाइम यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। इन्फिनिक्स GT 10 Pro में साउंड क्वालिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 30 5G के कंपैरिजन में, जबकि गाइस दोनों स्मार्टफोन में डबल स्पीकर आता है। ये जो इन्फिनिक्स GT 10 Pro है, इसमें नीचे की तरफ भी स्पीकर है और ऊपर की तरफ भी स्पीकर है, यानी कि डबल स्पीकर आता है। और यहाँ पे जो इन्फिनिक्स का नोट 30 5G है, इसमें भी डबल स्पीकर आता है, नीचे की तरफ भी स्पीकर है और ऊपर की तरफ भी स्पीकर है, दोनों स्मार्टफोन में डबल स्पीकर आता है। लेकिन जो साउंड क्वालिटी का एक्सपीरियंस मुझे इन्फिनिक्स GT 10 Pro में ज्यादा अच्छा लगता है, बट फिर भी आप लोगों को बताने के लिए मैं एक थोड़ा सा इसमें साउंड प्ले कर लूंगा, जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्ले करने वाले हैं टेक्निकल गुरुजी का कोई भी एक छोटा सा वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों में सेम वीडियो को प्ले करूंगा। तो अभी यहाँ पे मैंने दोनों स्मार्टफोन में सेम टू सेम वीडियो को प्ले किया, तो सबसे पहले यहाँ पे प्ले करते हैं इस इन्फिनिक्स के नोट 30 5G में वीडियो। यहाँ पे दोस्तों, ये जो फोन है जहाँ पे 4500 mAh की बैटरी को लेके आता है, एक प्रॉपर ट्रिपल कैम सेटअप आपको जो है इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक्सिनोस 2200 प्रोसेसर है, एंड ओवरऑल इस फोन की जो प्राइस है कभी कभार थोड़ी कमी मिल सकती है, बट रफली समझ लो 29999 के अंदर आपको ये वाला फोन ही मिलेगा। एक काफी अच्छी डील बन जाता है फॉर ऑल सैमसंग फैंस, गैलेक्सी S23 FE। तो यहाँ पर आपने साउंड कर लिया, अब यहाँ पे देखो ये सेम वीडियो को मैं इसमें प्ले करता हूँ। AI वाले फीचर्स भी आ गए हैं और ओवरऑल जो फोन है वो काफी एक अमेजिंग पैकेज अपने साथ में लेके आता है। अगेन यहाँ पे भी आपको मेटल बेल्ट मिल रहा है, IP रेटिंग वगैरह भी है, ग्लास बैक है, काफी एक अच्छा डिजाइन है विद मॉडर्न सैमसंग डिजाइन लैंग्वेज। यहाँ पे दोस्तों, ये जो फोन है जहाँ पे 4500 mAh की बैटरी को लेके आता है, एक प्रॉपर ट्रिपल कैम सेटअप आपको जो है इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक्सिनोस 2200 प्रोसेसर है, एंड ओवरऑल देखो यहाँ पे जो मैं जिस तरीके से नोटिस कर पा रहा हूँ, सिंपल यही है कि इन्फिनिक्स GT 10 Pro में साउंड क्वालिटी यहाँ पर ज्यादा आ रहा है इन्फिनिक्स नोट 30 5G के कंपैरिजन में। अब यहां पर हम एक और वीडियो को प्ले करते हैं, जो कि है ट्रैक इन टेक के वीडियो को। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली ट्रैक इन टेक के वीडियो को प्ले करते हैं, जिसमें आपको साउंड क्वालिटी कैसा देखने मिलता है। तो ट्रैक इन टेक में भी हम सेम वीडियो को प्ले करेंगे, ये पहले वाली वीडियो को प्ले करते हैं। ओके, तो फिर से आप प्ले करते हैं यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 30 5G में। एंड दिवाली के बाद के जो एक महीना होता है ना, हमारे लिए थोड़े मुश्किल होते हैं, स्पेशली इस वीडियो के लिए। अगर मैं अपकमिंग फोन्स के बारे में बात करूँ तो बहुत कम लॉन्चेस होते हैं। थैंकफुली क्वालकॉम ने डिसाइड किया हुआ है, वो जनरली नवंबर में लॉन्च करते हैं उनकी नई चिपसेट, एंड रेस लग जाती है फ्लैगशिप फोन्स की। तो यस, देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ फोन्स नवंबर दिसंबर में फोन्स आने वाले हैं, लेकिन ज्यादा करके सब फ्लैगशिप होने वाले। अगर मैं मिड रेंज या बजट सीरीज के बारे में बात करूं, वी डोंट हैव टू मेनी फोन्स दैट आर गोइंग टू गेट लॉन्च। चलिए बात करते हैं अगले महीने में कौन से फोन। तो ये जो साउंड रहा था, ये था इन्फिनिक्स नोट 30 5G का। अब यहाँ पे सेम सॉन्ग को वीडियो को प्ले करेंगे इस इन्फिनिक्स GT 10 के बारे में बात करूँ तो बहुत कम लॉन्चेस होते हैं। थैंकफुली क्वालकॉम ने डिसाइड किया हुआ है, वो जनरली नवंबर में लॉन्च करते हैं उनकी नई चिपसेट, एंड रेस लग जाती है फ्लैगशिप फोन्स की। तो यस, देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ फोन्स नवंबर दिसंबर में फोन्स आने वाले हैं, लेकिन ज्यादा करके सब फ्लैगशिप होने वाले। अगर मैं मिड रेंज या बजट सीरीज के बारे में बात करूं, वी डोंट हैव। तो यहाँ पर भी साउंड क्वालिटी आपको इस इन्फिनिक्स GT 10 Pro का ही देखने को मिलेगा। देखो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगा, साउंड क्वालिटी के मामले में यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो कि दोनों में से कौन सा आपको लेना चाहिए, तो यस,
इन्फिनिक्स GT10 प्रो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा इन्फिनिक्स नोट 35G के कंपैरिजन में। लेकिन ये स्मार्टफोन थोड़ा सा महंगा है, 20,000 रुपीज़ का है और ये स्मार्टफोन 15,000 रुपये का है। लेकिन यस, अगर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे चाहिए तो यस आप इसी स्मार्टफोन के लिए जाइए, ज़्यादा बेटर होगा। साउंड क्वालिटी भी इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। गेमिंग प्रोसेसर है प्योरली, लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है, बैक साइड में अट्रैक्टिव बैकलाइट देखने को मिलेगा जो कि स्मार्टफोन को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना रहा है, यानी कि आपके एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा ये इन्हांस करेगा। इन्फिनिक्स नोट 35G का जो लुक है इतना ज़्यादा खास लगा नहीं, बट फिर भी आपके ऊपर डिपेंड है। बट साउंड क्वालिटी के मामले में यहाँ पर जो इन्फिनिक्स GT10 प्रो है ये आपको ये बेस्ट है इसके कंपैरिजन में, बिकॉज मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं शॉर्टकट में यहाँ पर आपको बता के खत्म कर रहा हूँ।